मधुवादारिधायते मधुकरन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः सन्तो मधुरतमुतो कजो मधुमत्पार्थिवकुम्रजः अवलिका रौद्रानवो रूपाः मानो भान्तमुतमानो रूपकं मानो धर्मतमुतमानो स्थितं मा मानो पतिपितरं मोतमातरं मानः निज समी पवसाइए जाने अजाने श्रीखंड चंदनानुलेपनं समर्पयामि नारायणाय गिरिजा सङ्गैकसिङ्गारिणे नर्या आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हरिद्वार के दक्ष कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है बड़ी संख्या में लाइनों में लगकर अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं और आज के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है और धर्मनगरी हरिद्वार में बड़े ही धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, भगवान शिव की ससुराल है और मान्यता है कि भगवान शिव महाशिवरात्रि पर यहीं पर वास करते हैं और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर जलाभिषेक करने आते हैं की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक हैं, महाराज जी उनसे बात करते हैं कि गुरु जी आज महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या महत्व है इस महाशिवरात्रि का? महाशिवरात्रि मुख्यतः शिव विवाह रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन चतुर्दशी तिथि को भगवान फाल्गुन मास में भगवान शिव और सती का दुनिया का प्रथम विवाह इसी भूमि कनखल में इसी स्थान पर हुआ था। इसलिए इस स्थान पर जहां भगवान शिव का विवाह हुआ था उस स्थान पर भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में बड़ा ही उल्लासमय माहौल रहता है और बड़े ही उल्लासमय तरीके से भगवान शिव की शादी में लोग उपस्थित होते हैं और भगवान शिव को गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। आज महाराज जी किस तरह से जलाभिषेक करें, किस तरह से पूजा अर्चना करें कि जो मनोकामनाएं पूरी हों, इच्छाएं पूरी हों? देखिए किसी भी मनुष्य की विवाह में या शादी में उपस्थित होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा योगदान किसी के विवाह में उपस्थित होना ही होता है। तो आज भगवान शिव का विवाह का रात्रि है, इस रात्रि में इस भूमि पर उपस्थित होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। उपस्थित होने के बाद भगवान शिव चूंकि मस्तक पे गंगा धारण करते हैं, अगर भक्त भगवान शिव को गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करे तो भगवान शिव की कृपा उस पर अवश्य ही प्राप्त होती है। इस भाव से
लोग भगवान शिव के मस्तक पे यहाँ गंगा दल, दूध, दही, शहद, बूरा, घी, बिल्वपत्र, फल इत्यादि से भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं और अपनी मनोभिलाषित मनोभिलाषाएँ पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, आज भगवान शिव की विवाह की रात्रि है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर उसमें शामिल होने के लिए भी पहुँचे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और सभी भगवान शिव का जलाभिषेक करके आशीर्वाद और यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। कई प्रदेशों से हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर निकले कांवड़ियों के बाद आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस शिवरात्रि पर अनेक जो शिवालय हैं यानी कि जो प्राचीन शिवालय हैं उनमें भक्तों की भीड़ लगी हुई है और मैं लक्सर के पंचलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो मंदिर में पहुँच रहे हैं, अंदर चलते हैं, महाराज जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ विशेषताएँ हैं इस मंदिर को लेकर के, क्योंकि कई दिनों का तो इंतजार था महाशिवरात्रि का, उसको लेकर के भक्तों की वो पूरी हुई है और आज महाशिवरात्रि को लेकर के कहीं ना कहीं जो शिव भक्त है वो जलाभिषेक भी कर रहे हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजरंग गिरी है। बजरंग जी, मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? आज मैं देख रहा हूँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जलाभिषेक कर रहे हैं, किस तरह की मन्नतें हैं यहाँ पर? देखिए, मन्नतें तो जो भी मन्नतें यहाँ दिल से मांगी जाएगी वो हमेशा हमेशा पूरी होनी है, क्योंकि ये एक सिद्धपीठ है। इसकी जो स्थापना है पांडव द्वारा की गई थी, जिस टाइम पांडवों को अज्ञातवास का वो दिया गया था उस टाइम इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे आने वाले जितने भी भक्त हैं अगर दिल से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो उनकी जो मनोकामना है वो 110% पूरी होती है। कहा जाता है कि 5 पैड़ी सोने की भी, 5 ब्रह्मवृक्ष के पेड़ भी थे यहाँ, क्योंकि महाभारत कालीन से जुड़ा इस मंदिर का इतिहास है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो खैर अभी आए हैं, 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं सब बताते हैं कि यहाँ पे जो पहले गंगा बहती है, एक तो एक लौता स्थान ये ऐसा है जहाँ पश्चिम साइड में गंगा बह रही है और जो गंगा की जो सीढ़ियाँ हैं वो लास्ट की जो 5 पैड़ियाँ हुआ करती थी वो सोने की हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया वो सीढ़ियाँ अपना अंदर चल जाती गई, अब कलयुग का समय चल रहा है, ना जाने कहाँ होंगी। महाराज जी, क्या कहेंगे आज शिवरात्रि का महापर्व है, किस तरीके से विशेषताएँ हैं महाशिवरात्रि के इस पर्व को लेकर? ये महाशिवरात्रि को खूब भगत आते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन्नत पूरी होती है, मन्नत मांगते हैं। तो ये थे महाराज हमारे साथ में, बता भी रहे हैं कि जो महाशिवरात्रि का आज पर्व है कहीं ना कहीं यानी कि हरिद्वार में भगवान शिव की ससुराल दक्षिणेश्वर मंदिर के साथ साथ लक्सर का पंचलेश्वर महादेव मंदिर और पथलेश्वर मंदिर के साथ खानपुर के जटाशंकर मंदिर में भी भक्तों का इसी तरीके से तांता देखने को मिला है, क्योंकि कई दिनों के बाद शिवरात्रि का पर्व है। मैं अंदर कैमरामैन से कहूँगा, दिखाएंगे भी कि देख सकते हैं जो शिव भक्त हैं वो किस तरीके से भगवान पहले नंदी महाराज का जलाभिषेक कर, कहीं ना कहीं एक कहावत है जिस तरीके से कि भगवान नंदी के पाद ही जो अपनी आराधना है वो करने के साथ भगवान शिव की आराधना की जाती है, तो ये पंचलेश्वर तीर्थ का जो महत्व है कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जिस तरीके से पुराणों में, इतिहास में, ये पन्नों में दर्ज कहीं ना कहीं विशेषताएं बहुत मान्यता है, महाभारत कालीन मंदिर है और 5 ब्रह्मवृक्ष के पेड़ के साथ साथ यहाँ 5 सोने की पैड़ियाँ भी जो है बताई जाती है, यानी कि महाभारत काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से तमाम शिवालयों में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर जो शिव भक्तों के जो जयकारे हैं कहीं ना कहीं वो शिवालयों में देखने को मिल रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर जगह भक्त भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम सीमा पर स्थित भौरेश्वर मंदिर पर हैं।
ये रायबरेली और लखनऊ की सीमा पर स्थित है और काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं किस तरह से भक्तों की भीड़ साफ तौर पर दिख रही है, लोग जलाभिषेक के लिए यहाँ पर जा रहे हैं अंदर मंदिर में, देख रहे हैं कि किस तरह से लोग भगवान शिव को जल अर्पित करके कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कहाँ से आए यहाँ दर्शन करिए? आज जिस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ पर किस तरह से आप लोग अपनी मनोकामनाएं मांग रही हैं, किस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं? जी बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे, सब सही है। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बात करते हैं भैया, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग मलियाबाद से। मलियाबाद से इतनी दूर से पहुंचे हैं यहाँ पर। तो आज जिस तरह से महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ से किस तरह से आप लोग अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं? भोलेनाथ से बहुत बड़ी मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाएगी बहुत जल्दी। भोलेनाथ की इच्छा रही तो बहुत जल्दी पूर्ण होगी जाकर के, और भोलेनाथ की महिमा जो है सबके ऊपर बनी हुई बहुत अच्छे की तरीके से। धन्यवाद। यहाँ पर तमाम शिव भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं, देख सकते हैं कि लगातार किस तरह से यहाँ पर भगवान शिव को जलाभिषेक किया जा रहा। दिखाना चाहेंगे आपको, देख सकते हैं किस तरह से दोनों तरफ वो लगाया गया है एक जो भगवान के तक जल पहुँच सके। हालांकि गर्भ गृह में पहुँचने के लिए इस बार रोका गया है भक्तों को, बाहर से ही लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से भीड़ को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएँ मुकम्मल की गई हैं, जिसकी वजह से भक्तों को कोई समस्या ना हो। लगातार यहाँ पर तमाम शिव भक्त पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। देख सकते हैं पीछे हम तस्वीरें और दिखाएंगे, देख सकते हैं भैया बम बम भोले, बम भोले, कहाँ से आए आप? भोले भोले टेलीबाग से। जी, क्या मनोकामना लेकर के पहुँच रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या मनोकामनाएं लेके पहुंच रहे हैं शिवरात्रि के दिन आप लोग? बस हमारे खुशहाल परिवार और भरा पूरा ऐसे बना रहे। बिल्कुल, यहाँ तमाम वो शिव भक्त हैं जो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिखा सकते हैं आपको फिर एक बार तस्वीरों में, यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लगातार भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम और यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज क्या महत्व है। पंडित जी बताइए कि क्या महत्व है भगवान भोलेनाथ का आज? बहुत भगवान भोलेनाथ कृपा है, जनता सफाई नहीं करने दे रही, बहुत परेशान किए। अच्छा, सफाई नहीं करने दे। आज आज क्या कुछ खास है? अगर हम आज महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि है तो क्या कुछ आज जो वो बहुत शुभकामनाएं हैं? बहुत कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर? कम से कम 6-7 जिले से आते हैं, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा से। जी जी जी, उनसे जरा बात करते हैं। भाई एक भाई 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 भाई, भाई। आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं, आप बाहर बात करिए। आइए आइए, इधर आइए एक मिनट, आप बाहर बात। बिल्कुल, यहाँ तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं अंदर की, अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ को लगातार यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है और तमाम भक्तों की हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुँची हुई है और लोग भगवान भोलेनाथ से अपनी अपनी मनोकामनाएं कहीं ना कहीं आज महाशिवरात्रि के दिन जरूर मांग रहे हैं। महाशिवरात्रि का जो पर्व है बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए संगम नगरी प्रयागराज में भी, प्रयागराज में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग संगम के तट पर जाके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं पे जो मंदिर है, चाहे नागेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे सोमेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे मनकामेश्वर मंदिर हो, इन सभी मंदिरों में भीड़ जो है उमड़ी हुई है। लाखों श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। और बात की जाए आज के दिन के महत्व की, तो आज का दिन कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आज का विवाह का दिन है। तो हमारे साथ इस समय शंकराचार्य स्वामी महेशाश्रम जी महाराज जी हैं, उनसे जानते हैं कि आज का क्या महत्व है और किस तरह से लोगों को आज के दिन पूजन अर्चन करनी चाहिए। तो महाराज जी, किस तरह की आज का दिन है और क्या आज के दिन पूजा करनी चाहिए? देखिए, आज का दिन तो हमारे जीवन का सबसे परिपूर्ण दिन शिवरात्रि है प्रत्येक प्राणी के, क्योंकि शिव शक्ति का मिलन ही जगत की परिपूर्णता है। जो शिव शक्ति का आराधना करता है वही जगत में परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है। परंतु आज का दिन विशेष इसलिए हो जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ और जलमय सृष्टि से भगवान शिवलिंग का उत्पत्ति भी आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन उस ज्योतिर्लिंग से भगवान विष्णु का
विष्णु के का स्वरूप प्रकट हुआ था, जिसको भगवान शिव ने जगत का जगतपति बनाया था। आज ही के दिन ये जो सप्तऋषियों का जन्म भी बताया गया है, शिवरात्रि के दिन शिव सप्तऋषियों को ब्रह्मा के अक्ष से प्रकट हुए हैं सप्तऋषि। तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति भी शिवरात्रि के दिन ही बताई गई है। लेकिन विशेषता तभी होता है, परिपूर्णता तभी होता है जब सब शिव शक्ति का मिलन होता है। तो आज गौरी शंकर का विवाह का दिन है। पूरे ब्रह्मांड में देव शक्तियाँ, किन्नर गंधर्व शक्तियाँ सभी उत्सव मना रहे हैं। प्रत्येक प्राणी को जो सनातन धर्म को मानता है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर मुस्लिम वर्ग है तो उसमें भी अम्मा हुईया और बाबा आदम कहते हैं, हमारे यहाँ आदि शक्ति और आदि पुरुष कहते हैं, बात तो एक ही हुआ। तो शिव, शिव से ही जगत की उत्पत्ति है, शिव से ही सारे ईश्वरों की उत्पत्ति है। इसलिए आज से अपनी श्रद्धा के अनुसार पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी हो लेके शिव की आराधना करना चाहिए और रात्रि का जागरण करना चाहिए। रात्रि में जागरण से क्या होता है, अगर हम कुछ भी नहीं चढ़ाएं तो एक पहर जागेंगे तो देहिक देह शरीर से किया हुआ पाप नष्ट होगा, दूसरे पहर में मन से पाप किया हुआ नष्ट होता है, तीसरे पहर में जो हम अनन्य जन्मों में कर्म किए हैं उसका पाप नष्ट होता है, और चौथे पहर के पूजन ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है, उसमें शिव शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। और जिसको शिव शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाती है, इस जीवन में भी परिपूर्ण होता है और अंततोगत्वा उसका जन्म भी नहीं होता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव। बिल्कुल, आज का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है और भगवान भोलेनाथ जो हैं बहुत भोले भाले कहे जाते हैं, उनको आस्था से एक जल ही चढ़ा दिए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ की विवाह हुआ था माता पार्वती के साथ। तो आज का दिन संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरा नाम ऋतिक दुबे है, मैं बनारस का ही वासी हूँ। बाबा के दर्शन करने की व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्था मंदिर प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी है। इस बार विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बहुत अच्छा है और बड़ा आनंद आया दर्शन करने में, और सुगमता से दर्शन हो जा रहा है मंदिर में। मैं यही आशा करूंगा कि सब लोग आए और दर्शन बढ़िया से करें, और बाकी हर हर महादेव। जी दिन दर्शन किया, कैसा लगा? बस मन की एक सुखद अनुभूति हो रही है देख के कि धीरे 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 वो खुलता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि बाबा का भव्य मंदिर वहाँ बनेगा। आज महाशिवरात्रि है और मेरी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पे है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सुबह का समय है और जो शिव भक्तों की कतार है वो मंदिर पहुंच चुकी है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था आपको दिखा दूं कि जगह जगह पे LED स्क्रीन लगाई गई है, जो भक्त अंदर नहीं जा सकते हैं वो बाहर से ही खड़े होकर बाबा का ये दिव्य दर्शन कर सकते हैं। देखिए, ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और गेट नंबर 4 पे मौजूद हूँ। देखिए, ये श्रद्धालुओं का एक हुजूम है जो बाबा के दर पहुँच रहे हैं, और आज भगवान शिव और शक्ति का जो मिलन है, जो विवाह है, उसे देखने के साक्षी बनने के लिए। देखिए, प्रशासन के द्वारा तमाम तरीके की व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर केवल यही जो वाहन है यही चलेगा, टोटो सहित कभी सही वाहन यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिए गए हैं। देखिए, ये प्रवेश द्वार है, इसके साथ ही 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं ताकि जो भक्त आएँ वो आसानी से दर्शन कर लें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि व्यास जी के तहखाने की भी ताले को खोल दिया गया है और उस तहखाने में भी झांकी दर्शन प्रारंभ है। एक तस्वीर आपको सामने दिखा दें, ये जो रास्ता है ये दशाश्वमेध की तरफ से आने का रास्ता है, और यहाँ से भी जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और जो दर्शन की प्रक्रिया है वो चली आ रही है। देखिए, जो मान्यता थी कि भगवान शिव जब उनका विवाह हुआ था तो बारात के दौर पे भूत पिशाच नर गंधर्व तमाम तरीके के जो लोग थे वो पहुँचे थे, लेकिन इस बार जो विवाह है काशी के लोग नहीं, पूरे देश के लोग यहाँ पहुँचे हैं और बाबा का दर्शन करने के लिए वो ललाहित हैं। यही वजह है कि जो प्रशासन है वो व्यवस्थाएँ कई तरीके से किया है। लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की आने की संख्या बताई जा रही है। देखिए, सुबह का समय है और प्रशासन के द्वारा जो आंकड़े मिले हैं, अब तक 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, कुछ लोग भी हैं, हम इससे बात भी करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? उदयपुर।
कहाँ से? उदयपुर। उदयपुर से बनारस पहली बार आए हैं कि इसका पहले भी आए? पहली बार आए। कैसा लगा देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गया? हाँ हो गया। क्या मांगे बाबा से? बस जो मांगा वो हमारी लाइफ के लिए मांगा, फ्यूचर के लिए। आप कहाँ से? हम राजस्थान से। राजस्थान से पहली बार आई हैं? पहली बार आई हूँ। दर्शन हो गया? हो गए दर्शन। क्या मांगे बाबा से? अपने लिए और कुछ घर वालों के लिए। क्या मान्यताएं होती है शिवरात्रि के दिन, पूजा अर्चना को लेकर? शिवरात्रि दिन मान्यताएं होती है कि शिवरात्रि दिन जो भक्त पूजा मतलब दर्शन वगैरह करते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था तो मतलब यहाँ पे जो दर्शन करते हैं सारी मनोकामना पूर्ण होती है और सारे मतलब आज का दिन इतना अच्छा है कि मतलब वो सुकून मिल रहा है। व्यवस्थाएं अंदर की कैसी हैं? व्यवस्थाएं? व्यवस्थाएं तो अच्छी है, अच्छी है व्यवस्था। अच्छी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। दर्शन पूजन हो गया आपका? नहीं नहीं अभी नहीं, पापा मेरे लिए ड्यूटी करते हैं। कहाँ से आ रही हैं? यहीं से, नाटिमली से। नाटिमली से जी। व्यवस्थाएं कैसी हैं बाहर की? बहुत अच्छी हैं, सब व्यवस्थित है। मेरे पापा भी इसी ड्यूटी पे हैं, मतलब मंदिर के अंदर। पापा से आप दर्शन करेंगे तो क्या मांगेंगे? बस कुशल मंगल हो, जो जहाँ रहे सब खुश रहे, बस और क्या चाहिए। कुशल मंगल जो जहाँ रहे वो खुश रहे। देखिए सबकी मन्नतें हैं, लोग मन में आशा लेके बाबा के पास आ रहे हैं और दर्शन करने की इच्छा जगा रही है। देखिए उदयपुर से, राजस्थान से, तमाम जगह से, मैंने कहा ना काशी के ही लोग नहीं पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। वीडियो जल्दी दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज़, वाराणसी।